पूरे प्रदेश में धान है मंडियों में आ चुकी है। धान से मंडियां इस कदर अट चुकी हैं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार मेरे साथ चलना। इसी के विषय को लेकर हमने आज ये ज्ञापन दिया है कि जो सरकारी खरीद है वो एक सरकार कह रही है कि 1 अक्टूबर से खरीदेंगे, और हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो अब धान की खरीद नियमित रूप से 1 अक्टूबर से ही शुरू होगी। तो जब तक 1 अक्टूबर आएगा तब तक तो किसान की लगभग 60-70% जो मोटी धान है वो मंडियों में आकर और व्यापारी औने पौने दामों में उनको लूट कर ले जाएंगे, और किसान की गाढ़े खून पसीने की 6 महीने की कमाई को इस तरह से भारतीय किसान यूनियन लुटने नहीं देगी। हमने सरकार से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से जो आपके नॉर्म्स हैं 17% मॉक्चर के, उनको पूरे करते हुए धान की खरीद तुरंत प्रभाव से शुरू की जाए। और अगर आपने धान की खरीद तुरंत प्रभाव से शुरू नहीं करवाई तो भारतीय किसान यूनियन लगातार मंडियों में किसानों के बीच जाकर आपकी ये लूट वाली जो पॉलिसी है वो उसको उजागर करेगी। सर, आज जैसे देखने को मिला कि डांड अनाज मंडी पूरी धान से, धान की फसल से भर चुकी है, इसके बारे में किसानों को क्या क्या नुकसान हो सकता है? इसके बारे में नुकसान है कि देखियो, धान की खरीद शुरू होगी 1 तारीख से सरकारी खरीद। यहाँ जो मंडियाँ हैं ये मंडियों में व्यापारी जो राइस मिलर हैं ये सब 1 तारीख से पहले अपने शिलरों में इसको सारी किसान डंप करवा लेंगे, और 1 तारीख के बाद जे फार्म कटेंगे। किसान को भाव मिलेगा 1400 या 1500 रुपये का, और 1 तारीख के बाद ये समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से इनके जे फार्म कटेंगे। तो ये जो गैप है 1300 का 1400 का 1450 का ये सब मिलीभगत से राइस मिलर अपनी जेब भरने का काम करेंगे, और किसान की 6 महीने की गाड़ी खून पसीने की कमाई को लूटने का काम करेंगे। सर, सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं और बिल पास कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अगर ये सोचती है कि 3 अध्यादेश पास करके और उसने बहुत बड़ा काम कर लिया और किसान घर चले गए हैं तो ये सरकार का वहम है। आने वाले 27 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठनों की बातचीत होगी और आगामी आंदोलन का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान संगठन चुप नहीं बैठेंगे, तब तक देश के किसान संगठन चुप नहीं बैठेंगे। 25 तारीख को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान है, किसान बाज़ारों से कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, चक्का जाम की बात है। जिस तरह से भी मतलब किसान इस भारत बंद में अपना समर्थन कर सकते हैं उनको करना चाहिए, और 27 तारीख को आगामी आंदोलन का ऐलान दिल्ली में किसान संगठन की जो राष्ट्रीय नेता वो करेंगे, उसके बाद प्रदेश की और देश की सरकार को किसान इस कदर मजबूर कर देंगे कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम किसान, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, पूरे देश के किसान सरकार को चैन की नींद से सोने नहीं देंगे। थैंक यू।